प्रदेश कांग्रेस कमेटी व जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीपत द्वारा कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत वनांचल ग्राम कनई कोंद्रा में शुरू की गई, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्गों में काफी उत्साह देखा गया। सीपत ब्लॉक से सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता दी गई। कांग्रेस की सदस्यता अभियान में मस्तूरी के पूर्व विधायक दिलीप लहरिया ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा त्योहार के रूप में कांग्रेस की सदस्यता अभियान है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हमें अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा और विश्वास के साथ पार्टी मजबूत करने के लिए संकल्प लें, प्रदेश के भूपेश बघेल की सरकार की कार्य योजना की भरपूर लाभ लें एवं विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दें। उपाध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड के राजेंद्र धीवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहा कि अधिक से अधिक आप इसमें शामिल हों और अपने प्रदेश की सरकार के विकास में सहभागिता दें। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि कांग्रेस की सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि 70 सीट के साथ आपने अपनी इस लड़ाई में अपनी बहुमूल्य भूमिका प्रदेश को दी है। 15 साल के बाद भाजपा के कुशासन से मुक्ति दिलाने में आप लोगों ने सहयोग प्रदान किया। गांव, गरीब, किसान के चिंता भूपेश बघेल की सरकार को है। केंद्र की भाजपा सरकार की भेदभावपूर्ण रवैये ने हमारे प्रदेश के विकास को धीमा कर दिया। कांग्रेस की सरकार ने जो कहा है उसे पूरा किया है। आप लोगों से आग्रह है कि कांग्रेस की सदस्यता अभियान केवल कागजों तक सीमित न रहे। इस अवसर पर सीपत क्षेत्र के कांग्रेसी जन सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस की सदस्यता अभियान के तहत आज हम बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा सीपत ब्लॉक के उस गांव में आज हमने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, जो बहुत ही वनांचल गांव है, जहां आदिवासी बाहुल्य गांव है और बिलासपुर और कोरबे जिले का बॉर्डर है। आज हम लोगों ने यहां पर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता का शुभारंभ किया है। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता के साथ साथ हम लोग जो है बूथ कमेटियाँ जो बन रही हैं उसकी निगरानी भी कर रहे हैं और बूथ कमेटियों का गठन भी कर रहे हैं। बूथ कमेटियों के गठन के माध्यम से हम सभी यहाँ के जो विकास के काम हैं, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो लोगों की आम जनता की मांग है, उसको भी हम बूथ कमेटियों के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। और आज जो शुभारंभ हुआ है बिलासपुर जिले ग्रामीण की तरफ से इस कनेरी गांव में, जो कि आश्रित गांव है आपका खोंद्रा का, ऐसे समय में हम सब यहाँ हुए हैं। हमारे साथ जो है ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र देवर जी, लहरिया जी, आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष नेताम जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मेनन जी सहित समस्त कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हैं। और आप देखेंगे कि बिलासपुर जिले में, इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा सदस्यता अभियान बिलासपुर जिले से होगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों को एक उत्साह है, लोगों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने में एक अपनी एक जो जिस तरीके से हमारी लगभग 3 साल की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने, संगठन ने, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, जो योजनाओं किए हैं, आम जनता को भूपेश है तो भरोसा है, ये बात सिद्ध करती है हमारी योजनाएं। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि पूरा सदस्यता अभियान गांव-गांव में ये सदस्यता अभियान चलेगी, और जिस बूथ में हम सदस्यता अभियान करेंगे, हम एक बूथ पे उसी बूथ के लोगों को सदस्यता में सदस्यता कर जोड़ेंगे और एक सदस्यता का महाकुंभ इस बिलासपुर जिले से निकलेगा। अध्यक्ष महोदय, एक लक्ष्य तो होगा कि बिलासपुर जिले से हमको कितना लक्ष्य बनाना है। जहां तक लक्ष्य की बात है, मैं प्रमाण पे आपको अभी लगभग के हिसाब से नहीं, लेकिन पूरे प्रदेश में यदि सदस्यता अभियान होगी, और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जिला बिलासपुर होगा, कि यहां के ऊर्जावान अध्यक्ष हैं, और बिलासपुर जिले में इस बात के लिए भी सदस्यता होगी, क्योंकि यहां से जो कांग्रेस के विधायक बहुत ज़्यादा नहीं बन पाए हैं, और आज इस परिस्थितियों में जब कांग्रेस की सरकार है, 70 सीटों के साथ हम कांग्रेस की सरकार बनाकर हैं, और बिलासपुर जिला इस सरकार में सहभागिता नहीं निभा पाया है, पिछड़ गया है, इसलिए भी यहाँ के लोगों में उत्साह है, यहाँ के युवाओं में उत्साह है, और यहाँ के लोग अधिक से अधिक कांग्रेस की सदस्यता लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, भूपेश बघेल जी को मजबूत करेंगे, सोनिया गांधी को मजबूत करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को मजबूत करेंगे, और आने वाले दिनों में आपको विकास
विकास की भी एक नई गाथा इस मस्तूरी विधानसभा में दिखेगी। सत्ता और सरकार की और संगठन की जो असमानताएं दिख रही है, वजह क्या है? सत्ता और संगठन की जहां तक असमानता की बात अब कह रहे हैं, सिर्फ प्रयास बराबर नहीं हो पा रहा है, सत्ता और संगठन दो ऐसे हिस्से हैं जो एक साथ चल रहे हैं। हम आज संगठन के माध्यम से ही चुनाव में जाते हैं और जो सत्ता का जो हमारा संगठन के माध्यम से ही हम योजनाओं का लाभ आम जनता को दिलाते हैं, इसलिए योजनाएं लागू करना सरकार का काम है और संगठन का काम है कि हम उस योजनाओं को गांव-गांव तक, आम जन जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उन तक पहुँचाएँ। और ये कांग्रेस पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें जो व्यक्तिगत विचार हैं वो भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जहां तक जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है तो सारे के सारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के झंडे के नीचे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी, भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के नीचे मजबूती के साथ खड़े हैं। समय न्यूज के लिए बिलासपुर संभागीय ब्यूरो प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।